हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूबीज़ आर्ट गैलरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये DIY कपल ट्राइबल मास्क। इस कपल मास्क को आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या कहा, कैसे? तो ये देखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप इस कपल ट्राइबल मास्क को डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। तो ये वॉल हैंगिंग कपल मास्क बनाने के लिए मैं ये प्लास्टिक कंटेनर ले रही हूँ और इसमें मैंने स्क्रू ड्राइवर से होल कर लिया है। और अब मैंने यहाँ वॉल पुट्टी में थोड़ा पानी मिक्स करके थिक पेस्ट रेडी किया है। वॉल पुट्टी के पेस्ट को बढ़िया तरीके से ब्लेंड करके स्मूथ करना है ताकि लम्स ना रहे। देखिए, आप जितना इसे स्मूथ करेंगे उतना ही आपके प्रोजेक्ट पर इसे अप्लाई करना इजी होगा। और अब इस पेस्ट को आइसक्रीम स्टिक, बटर नाइफ या स्केल की हेल्प से प्लास्टिक कंटेनर पर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाती हूँ वॉल पुट्टी की लेयर को स्मूथ करने की। आप इस तरीके से पानी का हाथ लेकर पहले डैब डैब कीजिए पूरे कंटेनर को और फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से इसे स्मूथ कीजिए। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि फैन के नीचे वॉल पुट्टी ड्राई होने लगती है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही जल्दी और इजीली स्मूथ कर पाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी और ड्राई हो जाने के बाद थोड़ा बहुत जो रफ सरफेस है इसे सैंड पेपर से स्क्रब करके पूरे सरफेस को क्लीन कर लूंगी। और अब मैं ड्राई क्लोथ की हेल्प से एक्स्ट्रा डर्ट को भी क्लीन कर लूंगी। तो फाइनली मैंने ये दो कंटेनर रेडी कर लिए हैं और इन पर वाइट बेस कोट भी कर दिया है। तो अब कुछ शेप्स बनाने के लिए मैं ये फेविक्रिल मोल्डेड क्ले ले रही हूँ। इस बात का ध्यान रखना है कि फेविक्रिल मोल्डेड क्ले ड्राई होने लगता है जस्ट लाइक एमसील। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हार्डनर और रेजिन को मिक्स करना है। अब मैं कुछ शेप्स बनाऊंगी, लाइक जो भी डिटेलिंग हमको करनी है, आईज, नोज, वो सभी हम क्ले की हेल्प से डिटेलिंग करेंगे। बट क्ले लगाने से पहले मैंने यहाँ पेंसिल की हेल्प से वो शेप दे दी है, मतलब उस जगह को मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया है सो दैट कि जब हम क्ले लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन इधर उधर ना जाए। इसी तरीके से मैंने फीमेल मास्क की भी डिटेलिंग कर दी है क्ले से। गाइज, आप देख रहे होंगे मैंने मांगटी का ड्रॉ किया है बट बनाया नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब मैं यहाँ कुछ कलरफुल एक्रिलिक कलर से पेंट करूंगी इस कपल मास्क को और जो भी हाईलाइट करना है वो कर लूंगी। आप जो चाहे कलर यूज़ कर सकते हैं, टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कलरिंग पार्ट कभी भी मैंडेटरी नहीं होता। सेकेंडली, ये आपके इंटीरियर के डिमांड पर भी डिपेंड करता है। मेरी वॉल वाइट कलर की है तो मैं थोड़े से ब्राइट कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। हाँ, बस डोंट फॉरगेट टू गिव ए प्राइम कोट ऑन इट। इससे कलर्स का इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कलर्स वॉल पुट्टी में ऑब्जर्व नहीं होंगे और साथ ही साथ कलर्स की शाइनिंग बनी रहेगी। तो गाइस, आगे अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। इस कपल मास्क को डेकोरेट करने का एक बहुत ही यूनिक जुगाड़ लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए, बाकी सब डिटेलिंग तो कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। इनका जो टॉप हेड वाला पार्ट है वो कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो इसके लिए मैं फ्लोर पर ग्लू गन से 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लूंगी और ड्राई हो जाने के बाद इन्हें नाइफ की हेल्प से फ्लोर से अलग कर लूंगी और इन तीनों को आपस में जॉइंट करके गूंथ कर चोटी बना लूंगी।
एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको बाद में रियलाइज़ हो कि आपने ये जो ग्लू गन से चोटी बनाई है इसकी लेंथ कम रह गई और आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप इसके एजेस को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और ड्राई हो जाने के बाद फ्लोर से हटा लीजिए। वैसे मैंने जो ब्रेड बनाई है इसकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है, बट इन केस अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए हमें। एंडिंग पॉइंट को मैंने पेपर पिन की हेल्प से सिक्योर किया है और इस ब्रेड को मैं अब येलो एक्रेलिक कलर से पेंट कर लूँगी और ग्लू गन की हेल्प से इसे मेल पार्ट के हेड पर स्टिक कर दूँगी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसी तरीके से मैंने ये ब्लैक कलर की ब्रेड बनाई है और इसे मैं फीमेल वाले पार्ट पर स्टिक करूंगी। तो गाइस, फीमेल वाले पार्ट पर मांग टीका मैंने इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे इस पार्ट को हाइड करना था। अब कुछ और डिटेलिंग करने के लिए मैं ये तरबूज के बीज ले रही हूँ। गर्मियों के मौसम में तरबूज तो हम सभी के घर में आता ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका भी यूज किया जाए, इन्हें क्यों वेस्ट करना। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। मैंने इन पर पेंट नहीं किया है, आप चाहें तो कोई ब्लैक, येलो, रेड, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इन्हें पेंट करके भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे नेचुरल लुक ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने पेंट नहीं किया। गाइस, मेरे चैनल पर आपको इस तरीके की और भी DIY वीडियोस मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करना और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ इसी तरीके से मैंने फीमेल वाले पार्ट पर वाटरमेलन सीड से एक झालर का डिज़ाइन बना दिया है लटकन की जैसे। देखिए ये भी बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, कोई देख के नहीं कह सकता कि यहाँ आपने वाटरमेलन सीड्स का यूज़ किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस ट्राइबल मास्क को आप मल्टीपर्पस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। आप इसे स्टोरेज बॉक्स के जैसे यूज कर सकते हैं, अपने डेली यूज की आइटम स्टोर कर, इन्हें हम एज अ डेकोर पीस या प्लांटर स्टैंड के जैसे भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये बास्केट रखी हुई थी, आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके के फूड कंटेनर्स का भी यूज कर सकते हैं प्लांटर स्टैंड बनाने के लिए। साथ ही साथ आप इन्हें वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं एज अ वॉल हैंगिंग प्लांटर, डेकोर पीस और कपल ट्राइबल। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलूंगी एक नई क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड बी क्रिएटिव।